नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत। केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार में तनातनी कोई नई बात नहीं है। अभी अधिकार को कम करने को लेकर के जो लोकसभा में बिल पेश किया गया था उसको लेकर के धरना प्रदर्शन चल ही रहा था कि इसी बीच में खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, जिसके तहत डोर स्टेप डिलीवरी होनी थी, उसको मोदी सरकार ने रोक दिया है। और तर्क दिया गया है कि चूँकि ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राज्यों को मिलता है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन राज्य अपने स्तर से नहीं कर सकते। इसके बाद केजरीवाल सरकार फट पड़ी है और उसने एक ट्वीट किया है, पूछा है, सवाल उठाया कि आखिरकार ये केंद्र सरकार माफियाओं को ख़त्म करने के खिलाफ क्यों। दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो भी अनाज दिया जाता है, गेहूँ चावल, तो उसमें क्या होता है कि बीच में जो राशन माफिया है वो आ जाते हैं। केजरीवाल सरकार ने ये तैयारी की थी कि 25 मार्च से इस योजना को लॉन्च किया जाएगा और सभी 70 विधानसभाओं में गेहूं के बजाय आटे की डिलीवरी करेंगे और इसमें से बीच में से माफियाओं को ख़त्म करेंगे। और उसी योजना को सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने रोक दिया। स्वाभाविक है कि आप सरकार सवाल उठाएगी कि इस बीच में हम माफिया को ख़त्म करना चाहते थे, वो आपने ख़त्म क्यों नहीं होने दिया। दरअसल इसमें विकल्प भी दिया गया था, विकल्प ये दिया गया था कि आप चाहें तो जैसे राशन की दुकान से राशन ले रहे हैं वो राशन लेते रह सकते हैं, और जो चाहें वो इसको ऑफ कर सकता है। दोनों विकल्प साफ साफ दिया गया था। आपको बता दें कि जो केजरीवाल हैं मुख्यमंत्री दिल्ली और मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पहले भी जब केंद्र इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में बिल संशोधन के लिए कि गवर्नमेंट मतलब उपराज्यपाल, जो कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटता है, उसको लेकर के भी खासा बवाल हुआ। संजय सिंह के नेतृत्व में राज्यसभा के सदस्यों ने संसद में धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई। अभी ये टकराव चल ही रहा था कि इसी बीच डोर स्टेप डिलीवरी योजना को रोक दिया गया, इसके लिए टेंडर भी जारी हो गया था। अब जो है खाद्य आपूर्ति सचिव दिल्ली को चिट्ठी भेज करके केंद्र सरकार ने इसे रोका है। लिहाजा इस पे हंगामा मचना स्वाभाविक है। अब देखते हैं कि दिल्ली के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसा मैसेज आता है आम जनता में। कहीं ऐसा तो मैसेज नहीं जा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो केजरी सरकार को काम करने नहीं देना चाहती। इस पर हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।